हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिंदू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के एग्जाम फॉर्म के बारे में, साथ ही बात करूंगा आपकी एग्जाम कब से होगी, एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है राजस्थान विश्वविद्यालय की, जो एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और जिस तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फाइनली मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, राजस्थान विश्वविद्यालय यूजी पीजी के फॉर्म चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक लगभग 3 लाख विद्यार्थियों के फॉर्म आ चुके हैं। करीब 3 लाख विद्यार्थियों ने अपना फॉर्म भर दिया है, और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की जो एग्जाम फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप 20 तारीख से 24 तारीख के मध्य में अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी 24 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 24 के बाद भी अपना फॉर्म भर सकते हैं विलंब शुल्क के साथ में। 100 रुपये आपके विलंब शुल्क लगेंगे 24 से, यानी आप 25 से अगर फॉर्म भरते हैं, 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच में अगर अपना फॉर्म फिल करते हैं, तो उसकी फीस लगेगी 100 रुपये अतिरिक्त। इसके अलावा अगर आप 3 मार्च से आगे तक फॉर्म भरते हैं, 10 मार्च तक फॉर्म भरते हैं, और 10 मार्च लास्ट डेट है आपके सभी फॉर्म की, सभी यूनिवर्सिटी फॉर्म की जो है 10 तारीख लास्ट डेट है, और 10 फरवरी तक आप अगर फॉर्म भरेंगे तो 500 रुपये आपके विलंब शुल्क आपको देना होगा, और उसके साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी अपना फॉर्म भर दें, 3 लाख पहुंच गए, और भी पहुंच सकते हैं। तो कुल मिला के 5 लाख के आसपास टारगेट है कि भाई 5 लाख आपके फॉर्म पहुंचने वाले हैं। तो अब 5 लाख विद्यार्थियों को इंतजार है कि उनकी जो एग्जाम है वो कब होगी एग्जाम। तो जो आपका एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ था उसमें ये मेंशन था कि मार्च में आपकी एग्जाम होनी थी, और हम सभी लोग डर गए थे, मैं भी काफ़ी डर गया था, और मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि सिलेबस भी बिल्कुल कम नहीं किया है, सिलेबस भी हमारे पास पूरा का पूरा ही है, 100% सिलेबस है। तो इस सत्र में हम एग्ज़ाम पहले नहीं देंगे, और ऐसा ही हुआ, एग्ज़ाम जो है आपकी मार्च में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10 मार्च तक तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, इसके बाद में आपके फॉर्म्स की छटनी होगी, छटनी होने के बाद करेक्शन वगैरह सारी चीज़ें होंगी, सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद में टाइम टेबल जारी होगा, और टाइम टेबल जारी होगा तो आपको करीब 1 महीने का समय तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 महीने का नहीं तो 20 दिन का समय तो आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपके एडमिट कार्ड भी आएंगे, तो आपकी जो एग्ज़ाम का जो लग रहा है कि आपकी एग्ज़ाम कब होनी चाहिए, तो अप्रैल लास्ट में या मई स्टार्टिंग में होनी चाहिए, और 99% चांस है कि मई स्टार्टिंग में ही आपकी एग्ज़ाम होगी, बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली यही बता रहा हूँ मैं कि मई स्टार्टिंग में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी भी बोर्ड का हो, IIT, नीट, क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लास, अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनेट ऐप पर, आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनेट ऐप। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ था करीब 2 महीने पहले, वो गलत साबित हो गया है, तो अब नया एकेडमिक कैलेंडर जारी होगा, और राजस्थान प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वो अपना बहुत जल्दी ही इसी वीक के अंदर, अब जो आने वाला वीक है मंडे से, उस वीक के अंदर आपका नया एकेडमिक कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो बहुत जल्द आपको पता लगने वाला है कि आपकी एग्जाम कब से होगी, UG की एग्जाम कब से होगी, PG की एग्जाम कब से होगी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय भी आने वाले वीक के अंदर नया एकेडमिक कैलेंडर जारी करेगा, एकेडमिक कैलेंडर 2020-21। इस सत्र में आपकी UG PG की एग्जाम कब से होगी वो डेट घोषित हो जाएगी। तो जो आपका सस्पेंस बना हुआ है कि आपकी एग्जाम इस सत्र में कब होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मई स्टार्टिंग में होगी, लेकिन डेट फिक्स नहीं है, तो वो डेट फिक्स आने वाली वीक के अंदर हो जाएगी, और जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई इस डेट को आपकी एग्जाम होने वाली है, एकेडमिक कैलेंडर वापस से आ गया, मैं सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन आप मई स्टार्टिंग को मानकर ही अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपको मई स्टार्टिंग सोचना है कि मेरी मई स्टार्टिंग में एग्जाम है, 1 मई को मान लें कि 1 मई को एग्जाम है, और उसके रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आप ज़्यादा दिमाग में लाए नहीं कि एग्जाम कब है, अब होगी तो मैं पढ़ लूंगा, 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी, सारी चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, आप ओनली प्रिपरेशन में ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, और सिलेबस आपके पास कंप्लीट है। हमारे पास में सिलेबस
सिलेबस कंप्लीट है। जितने भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हम सभी के पास में सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए। तो समय हमें मिला है तो इसका हम सदुपयोग करेंगे, हम सारे सभी यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। काफी बच्चे क्या होते हैं, ऐसे सोच लेते हैं मुझे 3 यूनिट पढ़नी है, 3 में मैं पास तो हो ही जाऊंगा। 3 क्यों भाई, पूरी 5 यूनिट पढ़ो, 5 यूनिट पूरी की पूरी पढ़नी है और प्रत्येक यूनिट में सिलेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ो। लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ले सकते हो कि ये 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, इनको मेरे को याद करना है। प्रत्येक यूनिट के अलग अलग नोट्स बना लो कि जैसे एक पेपर के अंदर 5 यूनिट होती हैं, 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, तो वो जो एक क्वेश्चन है उसके प्रॉपर करीब 10 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो कि एक यूनिट में मैंने 10 क्वेश्चन याद किए, और गारंटी है 10 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 चैप्टर होते हैं एक यूनिट के अंदर, उसमें से अगर आप सिलेक्टिव पढ़ रहे हो, आपने एक भी चैप्टर पूरा पढ़ा है, उसके 4-5 टॉपिक पढ़े हैं, उनमें से एक टॉपिक आराम से मिल जाएगा। जैसे आपने VBT MOT सब कुछ पढ़ लिया केमिस्ट्री में, तो उसमें से एक टॉपिक या तो VBT आ जाएगा या MOT आ जाएगा, बिल्कुल आपको कन्फर्म मिल जाएगा। मैंने काफी सारी वीडियो भी बनाई हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अब आप समय खराब नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप यूटिलाइज करें पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज बनेगी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 17 में क्या हुआ है, राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट के साथ में हमारी परसेंटेज कम रही है, हमें प्रमोट तो किया है, जैसे कि सेकेंड ईयर वालों को फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया, तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे उनके कुछ पेपर तो हो गए थे, उनके नंबर तो उन्हें मिल गए, लेकिन कुछ पेपर नहीं हुए थे और उनके नंबर उन्हें फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग मिले, लेकिन फर्स्ट ईयर में उनके नंबर कम थे और सेकेंड ईयर में वो अच्छे नंबर ला सकते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। तो अब इस साल यानी फाइनल ईयर में चांस है वो अच्छा कर सकते हैं, तो मेहनत करें। अगर आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कम बन रही है, 60% से कम बन रही है, 55% से कम बन रही है, तो यही समय है मेहनत करने का, क्योंकि अगर आपकी 55% से कम बनेगी तो आप काफी सारी एग्जाम की होड़ से और दौड़ से बाहर हो जाओगे। सो मैं नहीं चाहता मेरे जितने भी प्रिय भाई बंधु हैं वो सभी एग्जाम की दौड़ से बाहर हों, क्योंकि प्रोफेसर की काफी सारी एग्जाम होती हैं, कॉलेज लेक्चर की एग्जाम होती हैं, इसके अलावा नेट JRF की एग्जाम होती है, और भी काफी सारी एग्जाम हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो एग्जाम होती हैं, तो ये सभी जो है आपकी अच्छी परसेंटेज मांगते हैं, और अगर आपकी एग्रीगेट अच्छी नहीं बनेगी तो आप काफी सारी जो है एग्जाम से बाहर हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो बचा हुआ समय इसमें मेहनत करो और अधिक से अधिक नंबर आपको लाने हैं। काफी सारी रणनीति पर वीडियो बनाई हुई है, टाइम टेबल पर वीडियो बनाई हुई है, आप खुद मुझे सजेस्ट करो कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, मैं प्रॉपर तरीके से बना दूंगा। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, जो नॉलेज मुझे है, जो नॉलेज मैं प्राप्त कर रहा हूं वही नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिससे आपकी हेल्प हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।